गाइस वेलकम बैक टू दी माय चैनल। आज मेरी स्टार्टिंग होती है मम्मी के साथ। आज हम दोनों मिलके ब्लॉग चालू कर रहे हैं। मेरा आदुआ भी, हम दोनों हैं बीना में। और मुगावली का व्लॉग मैंने सिर्फ शॉर्ट वीडियो ही बना पाया था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। हाँ, और अभी मेरा बेटा बीना का ब्लॉग बनाएगा, तो आप देखिए। और मैं इधर के गार्डन और पेड़ पौधे भी दिखाऊंगा। हाँ आप उस पे बताना कि ये काय का पेड़ है, और उसमें मैं बताऊंगा इधर खेत में क्या लगा है। हाँ और आपको अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करना। मैं सो बोल ही नहीं पाया। हाँ ठीक है, चलिए फिर देखते हैं बीना का सीन सीन पेड़ पौधे। सो भाई मैं बाहर तो आ चुका हूँ। ये इधर कोहरा पड़ रहा है बहुत ज्यादा, साल में बादल जैसे हो रहे हैं, आपको दिख नहीं गा दिखेगा नहीं, इसलिए चलो पेड़ दिखाने में मुझे एक्साइटमेंट हो रही है। ये पता नहीं किसका पेड़ है, ढंग से दिख भी रहा होगा कि नहीं। ये देखो ये काय का फूल है और ये बहुत बड़ा पेड़ है वैसे तो। और मैं जा रहा हूँ अब आंगन से। गाइस एक एक चीज, ये देखो ये बड़ा सा है, आपको पता है, पर एलोवेरा देख लो भाई जी, ये देख लो एलोवेरा, ये इतना मतलब इतना बड़ा है ये बीना का एलोवेरा ना पौष्टिक बहुत है, पियोगे ना गई, ये इतना कड़वा है, ये सिर्फ मेरे नाना जी के ही काम आ सकता है। वो पीने में वो थोड़ा सा कड़वा होने लगेगा क्योंकि उनके पास इतनी प्रैक्टिस है। इधर तो भैया हालत खराब हो रही है। ओ बच गए बच गए, ये टमाटर लगे ऐसे आप जैसे देख सकते हैं, दिख रहा होगा टमाटर, ये इधर टमाटर का खेत लगा हुआ है, टमाटर ही टमाटर। और द बेर, ये बिही का पेड़ है, ये भी लगी है बिही, अमरूद अमरूद बिही नहीं, अमरूद बिही आप सब समझते होगे। और कहाँ कहाँ लगी है, अरे यार दिख ही रही थी अभी कहाँ गई, ये भी लगी है अभी कच्ची है। और वो ये नींबू का भी पेड़ है इसके साथ साथ, बता रहा हूँ नींबू का पेड़ भी बता रहा हूँ भाई लोग, ये है नींबू का पेड़। इसके कार नींबू दिखाई देता हूँ, ये देखो ये है, कल मैंने एक तोड़ा भी था मस्त पका, तो नींबू का पेड़ भी आपको दिख गया है। अब बेर का पेड़ देखना होगा तो वो भी दिखा दूंगा। और इधर ये मूली लगी है, इस साइड पूरी मूली लगी है ये और इस साइड भी मूली लगी है, और इस साइड वो धनिया लगा है, और उस साइड पता नहीं क्या लगा है, वो मुझे नहीं पता उस साइड, पर इस साइड धनिया लगा इतना पता है। और ये खाद डली है हमारी ही। और ये मिर्ची का पेड़ है गाइस, ये छोटी मिर्ची इतनी कमाल की है ना, इसमें मैंने कल चख ली थी, ये देख लो ये मैंने कल चख ली थी गाइस, तोड़ के गाइस मतलब मेरे कान से पसीना छूट गया यार, इतनी तीखी। और ये शायद उसका पेड़ है, क्या कहते हैं पपीते का, देख सकते हैं जैसा कि आप पपीता। तो ये इधर से ऊपर ये रेलवे क्वार्टर है, मैंने आपको बताया। और गाइस देख लिया आपने, और इसके अलावा बेर का पेड़ अगर आपको देखना होगा, पर उसमें बेर बहुत सारे लगे हैं, अगर पक गए बेर तो वो पूरा, बेर पक गए तो वो पूरा हो जाएगा, ये देख सकते हो, अगर उसके बेर पक गए तो पूरा पेड़ ही लाल होगा, इतने सारे बेर के पेड़ हैं। तो वो थोड़ा आगे का है, आगे का वो बताई देता हूँ, मेरे को भी आज ही पता चला है कितनी आगे जाना पड़ता है बेर के पेड़ के लिए, क्योंकि ये क्वार्टर भी जल्दी से दिखा ले आता हूँ आपको। ये भी एक रेलवे क्वार्टर पर, ये दिस इज, ये हमारा नहीं है, मैं बीच में इंग्लिश क्यों बोलता हूँ। ये इधर एक खाद डली है, ये है पूरा बेर का पेड़, मैं अभी उस बाग में था, ये जो देख रहे हो ना ये खाट सी दिख रही है, इसमें था, खाट दिख भी रही होगी कि मैं बोल रहा हूँ खाट जी दिख रही। और ये बेल लगे हैं, कुछ पके हैं क्या भाई, ओहो ओहो
मिल गया मोजा ही मोजा। मम्मी पापा को, मम्मी को बात नहीं पता चलनी चाहिए, ना बोलेंगे कि सुबह सुबह क्यों खा रहे हो मीठा बेर। बेर खाओ, गुल्ली फेंको। भाई हम नीचे देखते हैं, ये मिल गया। हाय हाय गाइस, ये ब्लॉग में ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता, क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा लंबा बनाया ना तो गाइस ट्रेन हमारी छूट हो जाएगी। आज हम, मैं अपने घर जाऊँगा और उसके बाद तो नानी के यहाँ का भी ब्लॉग बनाऊँगा। अरे कोई तो पक्का मिल जाए गाइस, इसमें पक्के तो बहुत होंगे पर ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि टीटू टंगड़ंग लंगड़ंग, क्योंकि टीटू टंगड़ंग डंगड़ंग, जे भी है और पक्के वेर तो भाई इसमें, मैं अभी जेब में रख लेता हूँ, ऐश करेंगे बाद में खाएंगे। इधर आ जाओ, ये घर ले जाऊंगा फिर पकेंगे तब खाऊंगा। गाइस एक नीचे पड़ा मिला, अरे इतने से खा गया तो रहने दो गाइस उसे तो। है भाई इतना गंदा बेर है। गाइस मैं तो आज बेर बीन के ही जाऊंगा। गाइस आपको भी बेर खाना अच्छा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर, आपको आम खाना जो खाना पसंद है ना वो कमेंट सेक्शन में बताना। बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, मेरे सामने के सामने बेर लगे हैं तो भाई मैं हाइट ना, वो ब्लॉग कहीं बंद ना हो जाए। गाइस ये मैं 10 मिनट से ज़्यादा का नहीं करना चाहता है ना, क्योंकि फिर मेरे को काम भी करना। चलो हो गए बेर तो। गाइस अपने बेर का पेड़ देखा और इधर अमरूद का भी, ये भी लगा है, इसमें अमरूद लगे भी होंगे कि नहीं। अभी अमरूद तो नहीं तोड़ सकता, क्योंकि अमरूद अगर तोड़ा तो सब कहेंगे कि अभी तोड़ने का तो फायदा नहीं है, मुझे घर पे रखना बहुत सारे अमरूद। तो ये फूलों का पेड़ गाइस, कैमरा में पता नहीं, इस कैमरा में थोड़ा सा वो हो रहा है प्रॉब्लम कि कैमरा के पास ओस आ रही है। भाई साहब कैसा लगा गाइस, तो एंडिंग भी हो जाएगा। चलो 8 मिनट। सो इधर कैसे लगाओ मेरे अमरूद पेड़, कैसे लगे। सो गाइस मैं व्लॉग एंड करता हूँ, अगर आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में बता देना आपको क्या अच्छा लगता है। बाय बाय।